हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ये वीडियो है ये इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ विंटर फुटवेयर्स के बारे में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज एंकल बूट्स। विंटर सीजन में ओकेजन्स के लिए एंकल बूट्स एकदम परफेक्ट हैं। वो कई आउटफिट्स के साथ चल जाते हैं। आप एक कैजुअल वीकेंड लुक के लिए उन्हें जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं। आप स्मार्ट ऑफिस लुक के लिए पॉलिश चेल्सा बूट्स को ट्राउजर्स के नीचे पहन सकते हैं, या फिर आप उन्हें थिक टाइट्स के नीचे, स्कर्ट्स और ड्रेसेस के नीचे भी डे आउट के लिए पहन सकते हैं। आप अपने लिए कोई भी पेयर चूज कर सकते हैं विद और विदाउट हील। नाउ सेकेंड वन इज टॉल बूट्स। आप एंकल बूट्स को स्प्रिंग और समर सीजन में भी पहन सकते हैं, लेकिन जो टॉल बूट्स होते हैं वो आप सिर्फ ऑटम और विंटर सीजन में ही पहन सकते हैं। आप हाई बूट्स को सर्दियों में टाइट्स के नीचे नाइट आउट पर पहन सकती हैं, या फिर स्किनी जीन्स के साथ कैजुअल लुक के लिए टक करके भी पहन सकते हैं। ये बूट स्टाइलिश और प्रैक्टिकल दोनों होने चाहिए। इसके लिए आप ये देख कर लें कि इसमें ग्रिप अच्छी हो, जिससे कि आप बर्फ़ वाली जगह पर आसानी से चल सकें। तीसरा फुटवेयर है ब्लैक पम्प्स। ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं देखने में, और इसे आप जो है कैजुअल भी पहन सकते हैं, और या ओकेजनली भी किसी पार्टी वगैरह में जाना हो तो भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं किसी भी ड्रेस के साथ, शॉर्ट ड्रेसेस के साथ या जीन्स के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे पहन सकती हैं। और ब्लैक पम्प्स ये ऐसे वाले लें जिसमें फुल कवरेज हो आगे से, पीप टोज ना लें कि खुले हुए आगे से, वो सर्दियों के लिए बिल्कुल ना लें, वो सही नहीं रहते हैं। और हाँ, एक आखिरी बात ये कि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो सर्दियों में इस तरह के सैंडल्स पहनती हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप कोई पार्टी में जा रहे हैं तो अगर आप कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहन रही है, स्वेटर या जैकेट वगैरह, तो आप सैंडल वगैरह कैसे भी पहन सकती हैं, अच्छी लगेंगी वो इस तरह की। लेकिन अगर आप नहीं अगर आप सर्दी के कपड़े पहन रही हैं, स्वेटर और कोट वगैरह, तो आप ऐसे फुटवेयर पहने जो फुल कवरेज, जिसमें आपको फुल कवरेज मिले। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।